पानीपत में 3 दिन से चल रहे सर्च अभियान में आखिरकार रविवार की देर रात हरीश शर्मा पूर्व पार्षद का शव खूबरू नहर में मिला, जिसके बाद पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर सोनीपत के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और शव को एम्बुलेंस के माध्यम से पानीपत लेकर पहुंचे। शव मिलने की सूचना पाते ही भारी संख्या में लोग हरीश शर्मा के घर के बाहर पहुंच गए। जैसे ही शव पानीपत पहुंचा, भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने पानीपत जीटी रोड समेत फ्लाईओवर को पूरी तरह से जाम कर दिया और पूर्व पार्षद के शव को सड़क पर रखकर जाम कर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। लगभग 3 घंटे शांतिपूर्ण नेशनल हाईवे जाम व प्रदर्शन के बाद स्थिति बिगड़ी और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई। भगदड़ में आई कई प्रदर्शनकारियों को चोटें, पत्रकार भी उसमें घायल हुए। समझौते के लिए दफ्तर में पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ बैठे सांसद अरविंद शर्मा व अन्य भी बाल बाल बचे। बहुत चिंतित है, सरकार पूरी चिंतित है कि भाई हमारे ऐसे साथी ने ऐसे क्या कारण हो गए कि ऐसा उसको करना पड़ा, और सरकार पूरी कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन जिस तरह से दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि 5 मिनट में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सारी बातें ऊपर तक पहुंच रही हैं और सारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन क्या दोषी अधिकारियों को आज गिरफ्तार किया जाएगा जी? सर, अब भी मुकदमा दर्ज करने में इतना समय जो जो कानून के हिसाब से होगा वो पूरा तुरंत वापस लेने की FIR वाली बात है, कुशल जी के खिलाफ भी वो बातें लगी हुई है, उन सारी बातों को मुकदमा तो अभी मैं दर्ज करा करके जाऊंगा, इस बात को आप चिंता ना करो। मुकदमा दर्ज में आ गया हूँ तो मुकदमा दर्ज करा करके जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और नंबर दो, और भी जो बातें आई हैं, कोई अफसरों की भी जो बात आई है, कोई DSP की बात आई है, कोई भी जो बात आई है, उस पर भी जो है परमपिता परमात्मा बहुत बड़ी ताकत है, कमेंट की बात नहीं करता, लेकिन आप चिंता मत करो। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।